हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है। इस बुक को डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट ने लिखा है, जो एक अमेरिकन मिनिस्टर और ऑथर थे। वो अपने पॉजिटिव थिंकिंग के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही फेमस थे। इस बुक की 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। ये बुक हमें बताती है कि पॉजिटिव सोच के साथ हम अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान पर भरोसा रखने से हमारी खुशियों और सक्सेस के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हम जो भी चाहें पा सकते हैं। दिमाग की शांति, अच्छी हेल्थ और कमाल की एनर्जी, यहाँ जो तरीके बताए गए हैं उनसे हम अपनी रोज की परेशानियों से लड़ सकते हैं। अपने दिमाग को शांत और भगवान पर भरोसा रखकर हम बहुत से मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी हार को कैसे हराना है। ये बुक एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट मैनुअल है। अगर आप इस वीडियो से इस बुक को समझे और दिए हुए तरीकों को अपनाए तो आप खुद में बहुत से बदलाव महसूस कर पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। इस बुक को हमने 17 डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा है और इन सभी चैप्टर्स में लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स बताई गई हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। ऑथर का कहना है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। खुद पर विश्वास किए बिना हम खुश और सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी और खुद में किसी चीज की कमी का एहसास हमें वो पाने से रोकता है जो हम पाना चाहते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने उस कारण को जानना है जिसकी वजह से तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ये अचानक से नहीं होगा, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बड़ा भाई है जो हमेशा 90% मार्क्स लाता था और आप मुश्किल से 60% मार्क्स ला पाते थे, तो आपको ये भरोसा हो गया कि लाइफ में अपने भाई के जैसे कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। जबकि ये बात फैक्ट है कि बहुत से लोग जो स्कूल कॉलेज में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए वो भी आज सक्सेस की ऊंचाइयों पर हैं। आप ये अफर्मेशन सोने से पहले, जागने के बाद, साथ ही दिन भर में बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। मैं भगवान की दी हुई ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। हम जैसे भी हैं और जो भी हमारे पास है हमें उस पर भरोसा करना सीखना होगा। जैसे जो भी हमारा एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हमारी नॉलेज, हमारे लुक्स और भी बहुत कुछ। इसलिए हमेशा खुद में विश्वास करें और कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को कम ना समझें। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल हो सकता है अगर वो शांत है। एक शांत दिमाग अच्छी हेल्थ दे सकता है। हम शांत दिमाग पा सकते हैं अपने दिमाग को खाली करके, और हम अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं अपनी परेशानियों को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करके जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमें अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से दूर रखना चाहिए। एक बार हमारा दिमाग शांत हो जाए तो वो बहुत सी पॉजिटिव पावर बनाता है। ऑथर ने एक गो टू स्लीप प्लान बताया है। इसमें हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास हैं। ये हमारी परेशानियों को भगवान के सामने खाली करने में और चैन की नींद सोने में हेल्प करता है। हम सेम प्रोसेस को सुबह उठने के बाद भी रिपीट कर सकते हैं ताकि हमारा आने वाला दिन अच्छा बीते। इस तरीके से आप अपना दिमाग खाली कर सकते हैं और साथ ही हमें भगवान से शांति एक गिफ्ट की तरह मिलती है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। हम अपने दिमाग में जो भी डालते हैं हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। अगर हमारा दिमाग थका हुआ है तो हम फिजिकली थका हुआ महसूस करेंगे। जबकि अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो वो काम हम फुल एनर्जी के साथ कर पाएंगे। तो इस एनर्जी के लिए हमें अपने दिमाग को भरोसा देना पड़ता है। अगर कोई इंसान अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और नींद लेता है तो बॉडी बहुत एनर्जी बनाएगी और अच्छी हेल्थ भी बनी रहेगी। ऑथर बताते हैं कि वो मिसेज एडिसन से उनके पति महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के बारे में बहुत कुछ बातें किया करते थे। वो उनको बताती थी कि एडिसन अपनी लैब में दिन भर काम किया करते थे। जब वो घर आते थे तो वो कुछ घंटों के लिए शांत नींद लेते थे ताकि उनको काम पर वापस जाने की एनर्जी मिल सके। ज्यादातर हर सक्सेसफुल इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी में बैलेंस बनाकर रखता है। हमारे आसपास की हर चीज की अपनी एक रिदम है। अगर हम इसको ध्यान से समझें और अपनी रिदम को उससे मिला लें तो हम एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और इस तरीके से हमें कुछ भी करने की एनर्जी मिल सकती है। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। ऐसा माना जाता है कि भगवान ही सभी एनर्जीज का सोर्स है।
ऑथर ने कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट भी अपनी थेरेपी में प्रेयर का यूज करते हैं। प्रेयर से हम एक हेल्दी बॉडी और सोल पा सकते हैं। हमें अपनी बॉडी को सोल का मंदिर मानकर आराम करना चाहिए। अगर कोई इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकता है। प्रेयर हमारी बॉडी और सोल को पावर देती है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रेयर को बेहतर बना सकते हैं। प्रेयराइज, हमें प्रेयर को सिंपल तरीके से करना चाहिए। प्रेयर भगवान को कोई बहुत बड़ी चीज ना मानकर ऐसे करनी चाहिए जैसे हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। साथ ही हमें रोज प्रेयर करनी चाहिए अपने बाकी कामों की तरह, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना और खाना खाना। पिक्चराइज, हमें जो चीज चाहिए प्रेयर करते वक्त उसको ही इमेजिन करना चाहिए। जैसे कि अगर हम सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो हमें सक्सेस ही मिलेगी। जो चीज हमें चाहिए उसकी इमेजिनेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअलाइज, अगर हम बताए हुए तरीकों से प्रेयर करें तो हमारी प्रेयर सच्चाई में बदल सकती है। प्रेयर के कुछ सिंपल स्टेप्स को भी फॉलो करें। रोज प्रेयर करें, मुंह से बोलकर प्रेयर करें जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलें। प्रेयर में कभी कोई नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। दूसरों के लिए प्रेयर करें, इससे प्रेयर के रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। डॉक्टर नॉर्मन का कहना है कि जब आप प्रेयर करते हैं तो आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर का एहसास करते हैं। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं, और हमें खुश रहना चाहिए या नहीं। हम सारी खुशियां पा सकते हैं। बहुत से लोग उतना ही खुश होते हैं जितना उनका दिमाग खुश होता है। हमें एक बच्चे की तरह होना चाहिए जो हमेशा खुशी ही चूज करता है और नेगेटिव एनर्जी उस पर कोई असर नहीं कर पाती। हम सबके पास दो चॉइस हैं, या तो हम खुश रहें या खुश ना रहें। जो हम चूज करेंगे हमें वही मिलेगा। ऑथर का कहना है कि बहुत से लोग अपनी नाखुशी खुद ही बनाते हैं। आप अपना दिन शुरू करते वक्त कुछ लाइंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आज का दिन एक बेहतरीन दिन होगा। मैं सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। मैं मेंटली और फिजिकली अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं भगवान को हर चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ। लाइफ अच्छी है अगर हम उसको अच्छा बनाते हैं, इसलिए हमेशा अपने लिए खुशियों को चुनें। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग चिड़चिड़े बनकर खुद अपनी लाइफ को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। इस इरिटेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी और पावर को भी खो देते हैं। एक चिड़चिड़ा आदमी कभी खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम सभी आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं और इस भाग दौड़ की वजह से ना हम ठीक से सो पाते हैं, ना हम ठीक से खा पाते हैं। हमें रोज अपनी बॉडी और माइंड को शांत करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसी तरह जैसे हम बाकी जरूरी कामों को देते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना। रिलैक्स करने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आराम से चेयर पर बैठें, अपने दिमाग को शांत रखें और थोड़ी देर के लिए किसी शांत सीन को सोचें, जैसे कि उगता हुआ सूरज, ढलती हुई शाम या चांद की रोशनी। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। ऑथर एक कहानी शेयर करते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि जिंदगी में कैसे बेस्ट चीजें पा सकते हैं। एक बार एक लड़का था जो बहुत ही अच्छे परिवार से था, साथ ही वो बहुत पढ़ा लिखा भी था। फिर भी वो लड़का जो भी काम करता था वो उसमें असफल रहता था। धीरे धीरे उसको दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ समझ में आने लगा, लर्न टू एक्सपेक्ट नॉट टू डाउट, जिसका मतलब है कि शक मत करो बल्कि जो भी जीवन में चाहते हो उसकी उम्मीद करो। इस सोच ने उसको बहुत सक्सेसफुल आदमी बना दिया। ऑथर कहते हैं कि जब आप बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, और जब आप अच्छे की उम्मीद करते हैं तो आपको अच्छा ही मिलता है। हमेशा अच्छे की उम्मीद करना बेहद जरूरी है, साथ ही अच्छे की उम्मीद पूरे विश्वास के साथ करनी चाहिए। हमें भगवान में भरोसा होना चाहिए कि जब वो हमारे साथ है मेरे अगेंस्ट कोई कैसे हो सकता है। 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। ये वर्ड अपने आप को रिमाइंड कराएं और इसको बार बार रिपीट करें। हम भगवान से सब कुछ मांग सकते हैं, पर कभी डाउट ना करें। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान हमें नहीं दे सकता। चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। हमें जो भी चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो ज्यादातर हमारे दिमाग की वजह से होती हैं। हमें दिमाग की इन्हीं रुकावटों से छुटकारा पाना है। जब हम किसी रुकावट के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो रुकावट इतनी ताकतवर नहीं लगती है। हम जो भी करें हमें उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ऑथर ने एक लाइन मेंशन की है, अ क्लीन इंजन ऑलवेज डिलीवर्स पावर, सो डज अ माइंड। मतलब अगर दिमाग साफ है तो वो एक साफ इंजन की तरह ज्यादा पावर देता है। अगर आप किसी परेशानी से हार गए हैं तो हो सकता है आपने खुद को समझा लिया हो कि आप उस परेशानी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका दिमाग भी यही बात मान लेता है।
पर जब आप अपने दिमाग को बोलते हैं कि मैं भगवान की हेल्प से कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप दिमाग को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं और दिमाग समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपको जीतने का एहसास होता है। तो अगर आप हार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वही मिलेगी। ऑथर सिर्फ एक बात याद रखने को कहते हैं, मैं हार में विश्वास नहीं करता। चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता एक खतरनाक और विनाशकारी मानसिक आदत है और इस आदत के साथ हम पैदा नहीं हुए हैं, हमें ये आदत लग गई है। चिंता हमारे दिमाग में मानसिक ताकत को बहने से रोकती है। चिंता दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण है। इसकी वजह से इंसान का जीवन भी छोटा हो गया है। चिंता को अपने दिमाग से निकालना पॉसिबल है। हमें भरोसा रखना है कि हम भगवान की मदद से कुछ भी कर सकते हैं और हमें दिमाग को खाली करना सीखना होगा। हालांकि दिमाग को खाली कर देना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रह सकता। तो जब आप अपना दिमाग खाली करें, साथ ही उसको भरोसे, उम्मीद और हिम्मत से भरने की कोशिश करें। ज्यादा जीने के सिंपल तरीके हैं, शांत रहें, भगवान से प्रार्थना करें, जीवन से चिंता को निकाल दें। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक 50 साल पुराना पेड़ कटने वाला था। पेड़ काटने वाले ने पहले छोटी टहनियां काटी, फिर बड़ी टहनियां काटी, ताकि उनसे आसपास के पेड़ को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि कटे हुए छोटे पेड़ को संभालना ज्यादा आसान है। इससे पता चलता है कि अगर चिंता छोटी होगी तो अपने जीवन को संभालना आसान होगा। चिंता को खत्म करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि चिंता बस एक मानसिक आदत है जिसे मैं भगवान की सहायता से बदल सकता हूँ। मैं भरोसे की आदत को सीखकर चिंता की आदत से छुटकारा पा सकता हूँ। हर रोज जोर से बोले, मुझे विश्वास है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। इस चिंता की आदत से छुटकारा पाने में दूसरों की भी सहायता करें। चैप्टर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर परेशानी का सोल्यूशन है। ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो भगवान हमारे आसपास ही होता है। हम जो भी करें, हमें उस पे भगवान को अपने साथ ही मानना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि चिंता पावर और एनर्जी को बहने नहीं देती और दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो सोल्यूशन भी साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। आस्था हमारी सेहत को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। आस्था भगवान के अनदेखे हाथ की तरह है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है और दवाई के असर को बढ़ाता है। ऑथर एक आदमी से मिले थे जिसको एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। पहले वो आदमी भगवान को ज्यादा मानता नहीं था, पर जब उसने बाइबल पढ़नी शुरू की तो उसका भगवान में विश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी बीमारी ठीक होने लगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इससे ये साबित हो गया कि मानसिक हालत का हमारी हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। 6 more chapters to come, a lot more important things to come. Watch the video till the end and don't forget to like and subscribe. Chapter 12, when vitality sags, try this health formula. ऐसा देखा गया है कि चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नफरत जैसी चीजों से भी हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? उसके लिए हमें अपने दिमाग को विश्वास, प्यार और माफी जैसी भावनाओं से भरना होगा। यह हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक औरत बीमार पड़ गई थी। उसको तेज बुखार था। उसकी ऐसी हालत का कारण ये था कि उसको ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे वो पसंद नहीं करती थी। पर जब उस औरत को पता चला कि उसको ये शादी नहीं करनी पड़ेगी तो उसकी तबीयत तेजी से ठीक होने लगी। ऑथर ने अच्छी सेहत के लिए कुछ चीजें बताई हैं। गुस्सा एक भावना है और गुस्से में इंसान अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और आवाज ऊंची कर लेता है, तो उसको रोकने के लिए अपनी उंगलियों को खोल देना चाहिए, साथ ही अपनी आवाज को भी नीचे कर लेना चाहिए और बैठ या लेट जाना चाहिए। जोर से खुद को बोलिए, बेवकूफ मत बनो और इस गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा। भगवान को याद कीजिए या कोई भगवान की लाइन कम से कम 10 बार बोलिए। जिस बार हमारी उंगली कट जाने पर हम तुरंत दवाई लगाते हैं, उसी तरह हमें गुस्से को भी तुरंत काबू में कर लेना चाहिए। तो जब आप अनदेखी चिंता या परेशानी से निकल जाते हैं, आपकी तबीयत जल्दी ठीक होने लगती है। चैप्टर 13, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। हमारी सोच बहुत ताकतवर होती है। हमारी सोच इन बातों पर बहुत असर डालती है कि कैसा जीवन हम जीते हैं और कैसे इंसान हम बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। हमें सभी गलत विचारों को अपने दिमाग से खाली कर देना चाहिए। हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। हमें अपने पुराने थके हुए विचारों को अपने दिमाग से खाली करके उसे नए अच्छे विचारों से भर देना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। एक नियम जो हमेशा हमारी मदद कर सकता है, जो है बिलीव और सक्सीड। चैप्टर 14, रिलैक्स फॉर इजी पावर।
इन दिनों हमारी रोज की जिंदगी में चिंता, तनाव और नींद की कमी बहुत ही आम बात है। इस चिंता और तनाव के कारण लोग अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी को थोड़ा धीरे करके हम इस चिंता को थोड़ा कम कर सकते हैं। सब कुछ बिना परेशानी के शांत दिमाग के साथ करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना, फिर अपने दिमाग को दिन भर में बहुत बार खाली करना और उसके बाद भगवान के बारे में सोचना। एक शांत दिमाग के साथ हम कोई भी काम पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते जरूर सुना होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, पर वो इंसान सच नहीं बोल रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करे, पर हमें समझना होगा कि हम कुछ भी करें सब हमें पसंद नहीं कर सकते हैं, और इस बात से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ तरीकों से आप एक पसंदीदा इंसान बन सकते हैं। सबसे जरूरी है आप एक आरामदायक और सुखद इंसान बने जिसके साथ लोग आसानी से घुल मिल सके। लोगों को उनके नाम से बुलाएं, किसी इंसान की ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचाएं। लोगों की तारीफ करना सीखें, साथ ही उनके बुरे वक्त में सहानुभूति दिखाएं। हमें दूसरे लोगों को भी पसंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक पॉजिटिविटी भेजते हैं जो पलट कर हम तक वापस आती है। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हर्टेक। इस दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी शोक, दुख या और किसी तरह के दिल के दर्द का सामना कर चुका है। अपने आप को किसी काम में लगा लेना एक तरह का बहकावा है जो आपके दर्द को कुछ वक्त के लिए कम कर सकता है, पर उसे भर नहीं सकता है, जैसे कि पार्टी करना या शराब पीना। हमें अपने दुख को बहा देना चाहिए, जैसे कि रोकर या भावनाओं को दिखाकर। रोना भगवान की दी हुई एक राहत देने वाला तरीका है। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस दिल के दर्द से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अपने रोज करने वाले कामों को ना रोकें। बहुत देर तक एक जगह बैठने या सोचने से बचें। किसी मजेदार काम में खुद को बिजी रखें। अपने दुख को खाली करने के लिए रोना अच्छा होता है, पर इसको रोज की आदत बनाना ठीक नहीं है। पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान से जुड़े रहें। चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। हमें हर परेशानी की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। भगवान से ताकत लेकर हर कोई खुश और सफल बन सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान की ये ताकत हमेशा हमारे आसपास होती है। कोई भी कभी भी इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इस ताकत के इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांत रहना और पूरा भरोसा रखना कि भगवान हमें वो ताकत देगा। ऑथर एक कहानी बताते हैं कि एक आदमी जो शराबी था, उस आदमी ने बहुत कोशिश की शराब की आदत को रोकने की, पर वो सफल नहीं हुआ। फिर वो एक हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने उसको कुछ हफ्तों में वहां से छोड़ दिया, ये बोलकर कि वो जो कुछ उसके लिए कर सकते थे वो कर चुके हैं। आखिर में वो एक चर्च गया, पर वो चर्च बंद था। उस आदमी ने अपने नाम का कार्ड चिट्ठी के डब्बे में डाल दिया और कुछ देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद उसको अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ। उसको खुद में एक बदलाव लगने लगा। इस घटना के बाद उसने शराब हमेशा के लिए छोड़ दी और बिना शराब पिए अपना जीवन बिताया। दोस्तों, इस किताब में बहुत सारे ऐसे तरीके लिखे हैं जो एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस किताब से हमें हमारी जिंदगी में पॉजिटिव सोच की जरूरत समझ आती है। एक हेल्दी बॉडी और सोल के लिए पॉजिटिव विचार दिमाग में बहने चाहिए। खुद पर और भगवान पर विश्वास हमारे लिए बहुत ही चमत्कार कर सकता है। प्रार्थना से जो हम चाहें वो पा सकते हैं। हमें भरोसा रखना होगा कि कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती है और हमें सभी परेशानियों के उपाय मिल जाएंगे। पर सिर्फ इस वीडियो को देखना ही बहुत नहीं है, आपको हर तरीके को इस्तेमाल करना है जब तक कि आपको मन चाहे रिजल्ट ना मिल जाए। सो चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया बदलें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप बताए गए 17 चैप्टर्स आपको अपनी लाइफ चेंज करने में मदद करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू।